हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई वह जानबूझकर की गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह सब किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री और ना ही डीजीपी प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए गए, ये महज एक लापरवाही नहीं थी बल्कि सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया था। उन्होंने सोनिया गांधी से मांग की कि वे खुद आगे आएं और पंजाब के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, अगर ऐसा नहीं होता है तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मनीष ग्रोवर ने आरोप लगाया कि एक सोची समझी साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ऐसा करने के लिए बोला था और उन्हीं को खुश करने के लिए पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की निंदा होने लगी तो सोनिया गांधी ने उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए, लेकिन उससे पहले वे चुप्पी साधे हुए थी। प्रधानमंत्री पंजाब में वोट मांगने के लिए नहीं गए थे बल्कि पंजाब की जनता को सौगात देने के लिए गए थे, लेकिन वहां की सरकार ने जो व्यवहार किया वह बेहद निंदनीय है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पंजाब में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी चुने हुए प्रधानमंत्री थे, इलेक्टेड थे, जिसको देश की जनता ने 303 सीटें दी हों और उसके बाद पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री के विकास के लिए जाना पड़ता है, जाना जाता है, और उसी तर्ज पर आज देश के प्रधानमंत्री पंजाब को कुछ दे कर आ रहे थे, ना कि कुछ वोट मांगने जा रहे थे। उसके बाद भी वहाँ की सरकार, खुद मुख्यमंत्री उनको रिसीव्ड करने नहीं आते, डीजीपी रिसीव्ड करने नहीं आते, एक मंत्री उनका कैबिनेट का रिसीव्ड करने आता है, और जिस तरह की घटना वहाँ घटी और पाकिस्तान मात्र वहाँ से 25-30 किलोमीटर पे है, जबकि थोड़े देर समय पहले ही वहाँ कोर्ट के अंदर लुधियाना के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, स्थिति चिंताजनक हो, पंजाब का सरकार चिंता ना करे तो और क्या करें। उनका मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पंजाब में क्या पंजाब सरकार की लापरवाही थी या फिर जानबूझकर ये चूक रखी गई? मुझे जो लगता है उसके अकाउंट है जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने आदेश दिया होगा कि आपने ये घटना करानी है, इसलिए मैं सीधा सीधा सोनिया गांधी राहुल गांधी पे आरोप लगा रहा हूँ, उनके अकाउंट पे वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये हरकत की है। सोनिया गांधी तो ये बोल रही है कि देश के प्रधानमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री को निष्पक्ष जांच करके तुरंत रिपोर्ट देनी चाहिए। दो दिन बाद बोले, जब पूरे देश के अंदर उनकी थू-थू हो रही है कांग्रेस पार्टी, तब बोली, तुरंत उनको बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले? जब लगा कि पूरा देश और वर्ल्ड में भी पंजाब की छवि खराब हो रही, तब वो सोनिया गांधी बोली, इसलिए तुरंत उनको एक्शन में लेना चाहिए। और सोनिया गांधी ने जो कहा है उसकी जांच करा के उन अधिकारियों के खिलाफ, और जो मुख्यमंत्री जिम्मेवार है उसकी बर्खास्त के लिए खुद सोनिया गांधी को आगे आना चाहिए।